नमस्कार किसान भाइयों, मैं राशिद और आप लोग देख रहे हैं रियल कनेक्शन न्यूज एंड स्टोरीज। इस समय हम उत्तर प्रदेश के आगरा में हैं और इस समय आगरा के एक जय पैलेस के अंदर सेकेंड कृषि अंतरराष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर मोइन सर, जो कि दुबई से इस कृषि सम्मेलन में आए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे भी आकर इस मेले में बहुत खुशी हुई है और मैं उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने ये अवसर दिया हमें यहाँ पर कि अब उत्तर प्रदेश के किसानों का उत्पादन जो है वो हम इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सके। सर, बात आती है कि हमारे किसान भाई जो है वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा आलू कब एक्सपोर्ट होगा। देखिए, हम इस बार लक्ष्य लेके आए हैं 800 टन आलू इंपोर्ट करने का दुबई के लिए। 800 टन आलू आप दुबई के लिए एक्सपोर्ट करेंगे 2024 में? बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं है। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जो 800 टन आप आलू एक्सपोर्ट करेंगे दुबई या अदर कंट्री के लिए, तो वो आलू आपको किस नियमानुसार चाहिए होगा, किस क्वालिटी का चाहिए होगा? देखिए, जो अभी आपने मुझे वो नाम बताया, जो लाल गोल होते हैं, कंचन सिंदूरी एलआर, कंचन सिंदूरी एलआर जो है उसका उत्पादन होने के बाद हम उसको लंबे समय तक रख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार हम जब ले गए तो उस आलू की डिमांड अब बढ़ गई है, हमें ऑर्डर मिले हैं कि हम ये आलू लेकर आए। और इसके लिए हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो भी किसान भाई हैं, खास तौर से आगरा और आगरा मंडल के, वो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यही उत्पादन आप अब आगे से भी लगाएं। जो इस समय लगा हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि इनके द्वारा हम जितना भी आलू ले सके, अगर हमें मिलता है। जी सर, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हम आपको दिलवाएंगे सर, बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के आलू के उत्पादन किसान जो है वो समृद्ध हो और उनको सही मूल्य मिले। इंटरनेशनल मार्केट में जब जाएगा तब जो है आपके आलू का सही मूल्य मिलेगा। हालांकि आपको यहाँ भी मिलता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर जितना उत्पादन लगता है उससे कम मूल्य भी रह जाता है। सर, किसानों का मतलब यही चिंतित में थे किसान की, भाई आलू जो है आपने बताया है कंचन सिंदूरी एलआर, जो आलू जो लाल होते हैं, गोल होते हैं, उन चीज की डिमांड है अदर कंट्री में। हाँ, सर, और उसका एक पर्टिकुलर साइज भी है, कम से कम 55 mm, उससे कम ना हो, 55 mm से बड़ा हो 85 mm तक बिल्कुल आसानी से जा सकता है। सर, अगर किसान आपको ग्रेडिंग करके देते हैं, हाँ, तो आप मतलब उनको ले लीजिएगा? हाँ, मतलब बिल्कुल। अच्छा सर, वो लेंगे ग्रेडिंग करके, किसान मतलब 55 से लेकर 85 तक का ही लेंगे आप? और राइट, अदरवाइज अपना किसान है, लोकल में ही बिक्री करते हैं क्या? हाँ, लोकल में बिक्री कर सकते हैं जी। तो सर, जैसे कि अभी जो किसान भाई है वो ये चीज के लिए सोच रहे हैं कि आप उनसे अगर आलू लेते हैं तो किस पर्पज, मतलब किस के माध्यम से लेंगे और उनका पेमेंट का क्या कैसा सिस्टम है? जो आपके यहाँ के FPO हैं उनके माध्यम से ही हम लेना चाहेंगे, और उसमें जो भी मापदंड हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, चाहे वो GST हो या जो भी टैक्स हो, उनके ही द्वारा। और जहाँ तक सवाल है पेमेंट का, तो हमारी कंपनी जो है पहले 50% पेमेंट आपको एडवांस कर देगी लोड होने से पहले का, और जब गाड़ी लोड हो जाएगी आपकी, हम 50% पेमेंट उसकी कैश या चेक द्वारा कर देंगे। बहुत बहुत ये खुशी की बात है कि आपका आलू आपके खेत से बाहर जब ही जाएगा, जब आपको आपका पेमेंट दे दिया जाएगा। सर बिल्कुल, तो ये सर अभी आपने जो 800, हम चाहते हैं कि अब आप बिचौलिए से बचे। असल में आप उत्पादन करने वाले हैं, हम बेचने वाले हैं, बिचौलिए जो है वो आपका फायदा ले जाते हैं। बिचौलिए जो होते हैं, मतलब जो लोग आपको मतलब बोलते हैं भाई मुर्गा आलू आपसे लेके और देना इन्हीं को होता है, लेकिन बस फायदा वो आपका रेट कम कर, मतलब आपका खा जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपके उत्पाद को डायरेक्ट खरीदे और आपको डायरेक्ट दे, जिससे आपके उत्पादन का सही मूल्य मिल सके आपको, ना कि बिचौलिए। तो सर, 2024 में आपने 800 टन एक्सपोर्ट करने की बात कही है सर, तो क्या बाकी में सर क्या होता है? कुछ लोग ये, लेकिन अभी तक आलू के उत्पाद का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सही मूल्य नहीं मिला है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आजादी के अमृत महोत्सव पर
दूर करें तो वास्तव में किसानों को उसका सही मूल मिल जाएगा। हम यहाँ से आलू ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं दुबई। जी जी। और दुबई ले जाने के लिए जो गंभीर समस्या है वो समस्या है यहाँ से कंटेनर में आलू को बॉम्बे पहुंचाना जी, और बॉम्बे से दुबई को पहुंचाना। तो ये जो रास्ते में जो हमारा समय खराब होता है 36 घंटे से 48 घंटे का, ये बहुत ही क्रूशियल समय है एक्सपोर्ट करने के लिए। जी। तो इसके ऊपर अगर उत्तर प्रदेश सरकार या विशेषकर सर, मतलब कि हम ये जानना चाहते हैं, आपका कहने का मतलब ये है कि आलू कच्चा होता है उसको सही समय पे अगर पहुंचाएंगे तो आलू पहुंच जाएगा, अदरवाइज अगर सही समय पे ना पहुंचा तो आलू खराब होने का डर रहता है। तो सर कई बार ऐसी कई तरह की जगह जगह पर मीटिंग होती रहती है जिससे किसानों को दिलासा दिया जाता है, बताया जाता है कि अगली बार से आपका आलू एक्सपोर्ट किया जाएगा जिससे आपको आलू के दाम सही मिलेंगे, लेकिन इस लोग नहीं कहते, ये बात कागजी में रह जाती है और आलू बाहर नहीं निकल के जा पाता। अभी तक जो है हमने कोशिश करी है कि दुबई ले जाए आलू यहाँ से। नहीं, आप भी सर कोशिश कर रहे हो? सर कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर। उसके लिए हमें उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग भी चाहिए। क्या मतलब, क्या कमियां, क्या मतलब? चार्जेस इतना है यहाँ से ले जाने के लिए, फ्रेट चार्जेस बम्बई तक, एक तो वो बाई ट्रेन जाता है तो बहुत देर हो जाती है जी, और अगर ट्रक पे जाता है तो उसमें भी 48 घंटे आलू दागी हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपके कहने का मतलब ये है सर, क्योंकि हम उसको ले जाना चाहते हैं यहाँ रेफ्रिजरेटेड करके जी, एक सर्टेन टेम्परेचर पे मेंटेन करके, तब तो वो दुबई पहुंच सकता है 7 दिन के बाद मार्केट में, 7 डेज यहाँ से अगर हम लगाए। तो सर आप किसानों को ये तो नहीं बताना चाहते कि आप लोग ऐसी प्रजातियां करो जिससे कि आलू जो है जल्दी खराब नहीं होना चाहिए? जी, यही मेरा कहना चाहते हो ना? बिल्कुल, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपको अपना उत्पादक आलू उतारना है तो उसके लिए कुछ ऐसी प्रजातियों को आप उपज करें जो लंबे समय तक टिक सके। सर जैसा कि आपका मानना यही तो है, मतलब कि आपने बताया कि जैसे ख्याति पुराद आलू करते हैं हम लोग और बाद बाकी अदरवाइज और कच्चे माल करते हैं जो कि ज्यादा दिन नहीं टिक सकते हैं, जैसे कि अभी क्या होता है आसाम गुवाहाटी के लिए भेजा जाता है ना तो भी आलू दागी होने लगता है। तो जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हो उन सभी किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि प्लीज आप लोग जो है थोड़ा ऐसी वेरायटी लेकर के आओ जो ज्यादा दिन तक टिक सके जिससे कि आप लोगों के आलू का जो वो है निर्यात और सही मूल्य मिले, सही मूल्य मिल सकता है, क्योंकि अभी जितनी लागत है उतनी लागत भी नहीं निकल पाती है किसान की। जी तो सर अभी आज की मीटिंग में जैसे कि निर्यात पे बात होगी क्या? नहीं, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। हमने माननीय मनोज कुमार सिंह जी से इस पे बात की है कि आप जो है हमें निर्यात के लिए जो है उसमें एक तो सब्सिडी दिलाए कंटेनर पे। जी। तो सर इंटरनेशनल मार्केट में हम चाहते हैं, इससे पहले मैंने जो है मैंगो भेजा है मॉस्को, दुबई, बहरीन, और इस वक्त जो है हम जर्मनी भी भेजने के प्रोग्राम बना रहे हैं इस साल। तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के उत्पाद का उचित मूल्य मिले और किसानों में समृद्धि आए, क्योंकि अभी किसान पैदा तो कर लेता है लेकिन उसको मूल्य नहीं मिलने के कारण वो लागत भी नहीं निकाल पाता। तो सर एक बार अपना आप पूरा परिचय बता दीजिएगा। मैं डॉक्टर मुबीन खान फ्रॉम दुबई, मेरा जो है जर्मनी में भी एक ऑफिस है और एक ऑफिस मेरा दुबई में है और हेड ऑफिस हमारा नोएडा में है। तो हम यहाँ से भेजते हैं और हम सभी किसानों से अनुरोध करेंगे कि वो अच्छी नस्ल के आलूओं का उत्पाद करें जिसमें लंबे समय तक उसको हम रख सकें, क्योंकि जो आलू इस समय अवेलेबल है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है, ज्यादातर कोल्ड स्टोर में रख के आप इंडिया में तो बेच लेते हैं लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जब अगर जाएंगे आप निर्यात करेंगे तो उसके लिए कुछ अच्छी वैरायटी के आलूओं का उत्पाद करें। थैंक यू सर।